विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर चुनाव की तैयारी कर रही है वो मंत्र कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक से यह मंत्र निकल कर सामने आया जिसके राजनीतिक मायने हैं। ओम मतलब जनता, नमो मतलब नरेंद्र मोदी और शिवाय मतलब शिवराज। लेकिन अब इस मंत्र की शक्ति कमजोर साबित हो रही है। भाजपा के भीतर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने पर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि जीत का श्रेय उनके अलावा किसी और को मिले और सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के नाम की घोषणा हो। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश को अल्पसंख्यक वोटर भाजपा से किनारा कर लेंगे क्योंकि देश के सामने नरेंद्र मोदी की छवि एक हिंदूवादी नेता की है और शिवराज सिंह चौहान ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनकी छवि भी मोदी जैसी हो। और यही वो मुद्दा है जिससे भाजपा में चली आ रही अंदरूनी गुटबाजी को बल मिला है। इस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है। हम आपको बता दें कि संघ नरेंद्र मोदी के नाम की वकालत कर रहा है लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा पीएम पद के लिए हो। इसको लेकर दिल्ली में दो दिन से संघ और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच मंत्रणा चल रही है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बन पाती है या नहीं। खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएमएस टीवी न्यूज।